नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी ट्यूटर पर। आइए दोस्तों, आज हम स्लॉग्स के बारे में जानेंगे और इसे 150 मेथड से सीखने वाले हैं। तो पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जैसे एक होता है सार्वभौमिक, और एक होता है गैर सार्वभौमिक, ये सार्वभौमिक ये दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ऐसे ही ये भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक में मतलब कोई नहीं, इसमें सभी आ जाती, मतलब कोई नहीं। और सकारात्मक में इसमें कुछ कुछ वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक, और नकारात्मक में कुछ नहीं, यानी कि सार्वभौमिक इसका मतलब तो होता है सभी से, और गैर सार्वभौमिक इसका मतलब होता है कुछ से। इसमें कुछ वाले आएंगे और इसमें सभी वाले। अब इसके बाद हम एक बात जान लेते हैं, जैसे मैं कुछ कथन लिखता हूं, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, और चौथा कुछ ए बी नहीं। ये चार कथन हो गए हमारे। अब इससे पहले एक बात जान लो कि एक तो होता है हमारा कर्ता और एक होता है हमारा कर्म। अभी कर्ता और कर्म क्या होते हैं इसे जान लो। ये जो पहले लिखा होता है ये तो होता है हमारा कर्ता, और ये बाल वाला जो होता है ये होता है हमारा कर्म। ठीक, अब कर्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्वभौमिक और एक गैर सार्वभौमिक। और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब जहां जहां कर्ता सार्वभौमिक हो, यानी कि जहां जहां कर्ता सार्वभौमिक हो वहां तो हमें 100 बांटना है, और जहां कर्ता गैर सार्वभौमिक हो वहां 50 बांटना है। यानी कि सार्वभौमिक का मतलब सभी वाले, तो जहां सभी लिखा होगा वहां 100 बांटना है, और जहां 50 लिखा होगा वहां, जहां मतलब गैर सार्वभौमिक लिखा होगा वहां 50 बांटना है। अब ऐसे कर्म में कैसे बांटेंगे,
तो जहां पॉजिटिव होगा वहां तो 50 बांटना है, और जहां नेगेटिव होगा वहां 100 बांटना है। इस तरह से हमें ये बांटनी है, 100 और 50 का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये समझ में नहीं आया तो सवाल नहीं होगा। सार्वभौमिक का मतलब 100, यानी कि इसमें 100 बटेगा, वो भी पॉजिटिव में। और गैर सार्वभौमिक हो यानी कि कुछ वाली कंडीशन हो तो 50। ऐसे कर्म में कर्म को कैसे बांटते हैं, पॉजिटिव होगा कर्म तो 50 बांटेंगे, और निगेटिव कर्म होगा तो 100 बांटेंगे। अब इसमें हम पहले बांट के देखते हैं, सार्वभौमिक यानी कि कर्ता बांट लेते हैं, पहले कर्ता ही है। सार्वभौमिक यानी कि ये सार्वभौमिक है, सभी मतलब 100 वाले इस्तेमाल है सार्वभौमिक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50, वो 100, यहाँ लिखेंगे 100। यहाँ सार्वभौमिक में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 100। यहाँ कुछ यानी कि इसमें आ जाएगा गैर सार्वभौमिक में तो यहाँ लिखेंगे 50। ऐसे यहाँ ये भी गैर सार्वभौमिक तो यहाँ भी 50। अब बात करते हैं कर्म की, कर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस हिसाब से बटेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ 50, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ 100, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ 50, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ 100। तो इस तरह से ये बांटे जाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक नोट डाल लो, इधर तो लिख लो कथन और इधर निष्कर्ष। कथन में मतलब आमदनी, और निष्कर्ष का मतलब खर्च। बांटना हमें 150 ही है, ये एक बना दिए हैं कि इसे आमदनी बोलते हैं कथन को, और निष्कर्ष को खर्च बोलते हैं। अगर हमारा कथन में 100 है और निष्कर्ष में भी 100 है, इसका मतलब आमदनी तो 100 रुपए की हुई और खर्च कितना किया 100 रुपए कर सकते हैं, तो यानी कि निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। और अगर कथन में 50 है और निष्कर्ष में 100 है, मतलब कमाया तो 50 और खर्च कितना किया 100, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब कथन में 100 है और खर्च किया कितना 50, मतलब 100 कमाया और 50 खर्च किया, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। और 50 कमाया और 100 खर्च कर दिया, क्या कर सकते हैं हम 50 कमा के 100 खर्च कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ये बांट के चेक करना है।
सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा और कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। यानी कि अगर कथन हमारा सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमारा सकारात्मक होगा और अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सभी सेब फल हैं, ये कथन हो गया और निष्कर्ष पहला। सभी फल सेम हैं, दूसरा कुछ फल सेब हैं, तीसरा कुछ सेब फल हैं। अब हम इन्हें चेक करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो पहले तो हम 150 बांट लेते हैं, तो सार्वभौमिक है तो यहां 100, पॉजिटिव है तो 50, ऐसे इसमें बांटना सब में सेम है, बस इसे आय मानते हैं और इसे खर्च मानते हैं। यहां सभी है तो 100 आ जाएगा, पॉजिटिव है तो 50। गैर सार्वभौमिक आ गया अब ये, तो यहां पे 50 और ये पॉजिटिव है तो भी 50। गैर सार्वभौमिक यानी कि 50 और पॉजिटिव है 50, और बढ़ा लेते हैं इसमें कुछ सेब फल नहीं है। अब देखते हैं इसे, इसमें भी बांट लेते हैं, गैर सार्वभौमिक यानी 50, नेगेटिव तो यहां आ जाएगा 100। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, अब यानी कि सभी फल सेब हैं, फल और सेब की बात हो रही है, तो फल यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है लेकिन कमा कितने रहा है इसे देखते हैं। फल 50 कमाया और 100 खर्च किया, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कुछ फल सेब हैं, फल कितने खर्च कर रहा है 100 और कमाया कितने फल ने 50, कर सकता है। अब इसे देखते हैं, सेब कितने खर्च करता है 50, कमाता कितने 100 यानी कि कर सकता है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इसकी बात करें, सेब 50 खर्च करता है और कमाता कितना है 100, कर सकता है। फल 50 खर्च करता है और कमाता कितने 50, बिल्कुल कर सकता है, यानी कि सही। इसकी बात करते हैं, अब ये नोट देखो, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमारा नकारात्मक होगा। अब कथन देखते हैं, तो कथन तो हमारा सकारात्मक है तो हमारा निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि ये तीन तो सकारात्मक थे, ये नकारात्मक है, तो इसे तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसी गलत है क्योंकि ये नकारात्मक है। तो इस तरह से हमें ये करने हैं,
एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। कुछ हीरो लड़के हैं, निष्कर्ष पहला, कुछ लड़के हीरो हैं दूसरा, सभी लड़के हीरो हैं तीसरा, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं चौथा, सभी लड़के हीरो नहीं हैं। अब पहले पार्ट लेते हैं, गैर सार्वभौमिक इसका मतलब 50, पॉजिटिव इसका मतलब 50, ठीक। गैर सार्वभौमिक इसका मतलब यहां पे 50 और पॉजिटिव है तो भी 50। यहां देखते हैं सार्वभौमिक इसका मतलब 100 और पॉजिटिव तो 50। गैर सार्वभौमिक यानी कि 50 और नेगेटिव है इसका मतलब 100, नेगेटिव में 100 आता है ना। अब सार्वभौमिक है इसका मतलब 100 और नेगेटिव इसका मतलब 100। अब ये देखते हैं कि हमारे कथन जो है वो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारे पॉजिटिव ही होंगे, यानी कि जो नेगेटिव निष्कर्ष होंगे वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, तो ये नहीं होगा हमारा और ये नहीं होगा। अब निष्कर्ष बचते हैं 2, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो 50 यानी कि लड़के जो हैं वो 50 खर्च करते हैं, लेकिन कमाते कितने लड़के 50 कर सकते हैं। हीरो जो है 50 खर्च करते हैं, कमाते कितने 50 कर सकते हैं, यानी कि सही होगा। लड़के 100 खर्च करते हैं, कमाते कितने हैं 50, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 50 कमा के 100 खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये करनी है। तो कैसा लगा आपको ये मेथड? अगर मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।